हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीडियो ऑन न्यूली लॉन्च नायका लिप क्रश मैकरून लिप बाम्स के ऊपर रिव्यू। और अगर आप लोग जानना चाहते हो सारी डिटेल्स इन लिप बाम्स के बारे में, तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो हेलो, माय नेम इज श्वेता। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, जहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रिव्यू अबाउट न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो सम मेकअप ट्यूटोरियल्स विच आर वेरी वेरी ईजी एंड दे लुक सुप्रीमली गुड। एंड yeah, you can check out my previous videos as well, and please make sure you subscribe to my channel and also hit that bell icon to never miss a future upload from me. And now let's just get started with the video. Please नीचे comment ज़रूर करना कि आज का मेरा background और setup जो है आपको कैसा लग रहा है, and whether lighting is good or not, सब कुछ please नीचे comment ज़रूर करना। और अब हम बात करते हैं अपने actual product के बारे में, जो कि है हमारे lip balms। इनकी आउटर पैकेजिंग जो है इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो कितनी क्यूट है। ये जो है ट्रांसपेरेंट जो है इस तरह की आपको प्लास्टिक की आउटर पैकेजिंग मिलती है, जो कि जो भी हर वेरिएंट है इनका उसी की जैसे कलर कोऑर्डिनेटेड है। और जैसे ये जो वेरिएंट है ये है मिंट वेरिएंट, तो इसकी जो आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर है भी ये जो कलर है ये बिल्कुल मिंट जैसे ही कलर इन्होंने लिया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट इनके टॉप पर जो है इनके सारे वेरिएंट्स के नेम्स भी लिखे हुए हैं। और ये जो है थ्री साइड से ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से और इस तरफ से, पीछे से जो है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अलॉन्ग विद दैट टॉप पर जो है यहाँ पर नेम मैंशन है। पीछे जो है मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है मेंशन्ड हैं, इसका नेम लिखा हुआ, जो कि लिप बाम्स हैं बेसिकली, नायका लिप क्रश मैकरून लिप बाम्स। एंड उसके बाद लिखा हुआ है इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट एज वेल। दीज लिप बाम्स रिटेल्स फॉर ₹249 एंड यू गेट नेट कंटेंट ऑफ 8 grams। इट सेज पकर एंड पाउट वाइल यू रिलिश अवर नायका लिप क्रश मैकरून लिप बाम्स एनरिच्ड विद शिया बटर एंड वाइटामिन ई। इट डिलीवर्स लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर टू योर लिप्स एंड प्रोवाइड्स ईयर राउंड प्रोटेक्शन। ब्लैंकेट योर लिप्स विद द शिया टिंट एंड विस्पर स्वीट नथिंग्स। सो दिस इज वॉट इट इज़ रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ दीज लिप बाम्स। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टार ऑफ दिस वीडियो, इनकी इंटरनल पैकेजिंग। वेट अ सेकेंड, नाउ हियर यू गो, दिस इज द एक्चुअल लिप बाम्स। इस पर लिखा है लिप क्रश मैकरून लिप बाम्स। जस्ट सी दिस, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कहीं पे एक इवन कोई क्रैक भी है जहाँ से आप इसे ओपन करने वाले हो। बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने इस तरह से इसको जो है डिपिक्ट किया है, आपको बिल्कुल नेचुरल दिखे, उस वजह से इन्होंने यहाँ पे टेक्सचर भी दिया हुआ है इस लिप बाम पे। आप इसके बॉटम पे देखोगे तो यहाँ बॉटम पे इस तरह से चीज़ें मैंशनड है। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फ्लेवर जो कि है मिंट, और इसका और नेट वेट लिखा हुआ है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है। तो ये है पैकेजिंग गाइस। आई थिंक दिस इज़ रियली इनोवेटिव एंड वेरी वेरी क्यूट। आई थिंक नायका जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस। तो इसमें जो है टोटल 5 to 6 वेरिएंट्स हैं, और मैं उनके आपको नेम बताती हूँ कि कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ जो मुझे याद हैं वो है मिंट, चॉकलेट, हेजलनट, लेमन, ब्लैकबेरी है, ग्रीन एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, और आई थिंक एक और है। तो ये सारे जो वेरिएंट्स हैं आपको अवेलेबल है इन लिप बाम्स में। जो उनके नेम है उसके बेसिस पे ही जो है उनके आउटर पैकेजिंग का जो कलर है वो सिलेक्ट किया गया है। तो आई थिंक द पैकेजिंग इज़ रियली नाइस। ओपन करते हो तो आपको ऐसे से रोटेट करना है, एंड दिस इज़ द लिप बाम। अब आप देख सकते हो इसका जो कलर है ये मिंट वेरिएंट है, तो जैसी इसकी आउटर पैकेजिंग थी सिमिलर, ऐसी ही जो है इसके अंदर लिप बाम में भी कलर्स जो है अवेलेबल हैं एग्जैक्ट सेम। दिस इज द कैप एंड दिस इज द लिप बाम। देखती हूँ, यस, इसकी स्मेल एग्जैक्टली जैसे मिंट फ्लेवर होता है बिल्कुल वैसी स्मेल है, और टेक्स्चर वाइज भी काफ़ी सॉफ्ट है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ओके, इनमें बिल्कुल भी जो है कलर नहीं है किसी भी तरह का, दीज आर जस्ट नॉर्मल लिप बाम्स, बट इनके वेरिएंट्स जो हैं डिफरेंट हैं। तो स्मेल एग्जैक्टली वैसी है जैसे इनका वेरिएंट है, कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसे इनकी आउटर पैकेजिंग है, बट इनमें बिल्कुल भी आपको लिप टिंट नहीं मिलता है। सो ये चीज़ काफ़ी लोगों को जो है पसंद नहीं आती है, बट
पैकेजिंग को देखकर तो ये सब चीज़ें आई थिंक इग्नोर हो जाती हैं. तो मैंने जो है दो वेरिएंट्स परचेज़ किए हैं इसमें से. फर्स्ट तो जो था वो है मिंट और सेकंड जो है वो है चॉकलेट हेज़लनट. तो इसकी भी आउटर पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ. ऐसे इसके टॉप पे जो है मेंशन है चॉकलेट हेज़लनट. तो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ. सो दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग गाइस. कैन यू सी दिस? ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट. इट लुक्स लाइक दिस. आप देख सकते हो चॉकलेट हेज़लनट वेरिएंट है. तो उसका कलर भी जो है इन्होंने चॉकलेट कोको कलर का बिल्कुल रखा हुआ है. और इसके बॉटम पे लिखा हुआ है चॉकलेट हेज़लनट. यू कैन सी दिस. और इसको ओपन करूँगी. जब मैं ओपन करते ही आप देख सकते हो दिस इज़ द कलर ऑफ दिस लिप बाम. ये है इसकी आउटर पैकेजिंग एंड दिस इज़ द कलर. यू कैन मैच एग्जैक्टली सेम जो है इनका दोनों का कलर है. स्मेल कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल इसमें जो है जैसे कोको फ्लेवर होता है बिल्कुल वैसी स्मेल है. ओह गॉड, इसको भी जब मैं भी यूज़ करके दिखाती हूँ इसमें भी किसी भी तरह का कलर नहीं है व्हाटसोएवर. इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं दिख रहा है आपको. और भी ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल कंसिस्टेंसी है जैसी होनी चाहिए लिप बाम्स की. मैं प्रोज की बात करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो है कलर कोऑर्डिनेटेड जो है आपको आउटर पैकेजिंग मिलती है. बहुत ही इनोवेटिव एंड क्यूट है. आप देख सकते हो बिल्कुल जो है इन्होंने मैकरून जैसी शेप इन्होंने एग्जैक्टली दी है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी जगह है इसको ओपन करने की. बिल्कुल सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है. काफ़ी अच्छा जो है टेक्स्चर दिया हुआ है इन्होंने. सो पैकेजिंग वाइज आई विल गिव इट 5 out of 5. और क्वांटिटी भी डिसेंट है. 8 grams प्रोडक्ट मिलता है. आई थिंक इनफ है अगर आप इसको परचेज करते हो फॉर गुड 2 to 3 months. आई थिंक इवन 4 months तक के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा जो मुझे इसकी अच्छी बात लगी है वो ये है कि इनकी जो स्मेल है वो एग्जैक्टली जो वेरियंट इनका है बिल्कुल वैसी है. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है ये क्रुएल्टी फ्री है एंड पैराबिन एंड SLS फ्री भी है. 100% वेजिटेरियन है. प्लस इसमें शिया बटर एंड विटामिन ई भी है. तो आई थिंक दीज लिप बाम्स आर लोडेड विद ऑल द गुडनेस एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स के बीच में अगर आप इस तरह का कुछ अच्छा प्रोडक्ट जो है अपने बैग में कैरी करोगे. तो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ गाइस तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से जो पर्सनली मैं फील करती हूँ वो ये है कि जो इसके वेरियंट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत तो कलर होना चाहिए था. जैसे ये चॉकलेट फ्लेवर है तो इसमें थोड़ा सा ब्राउन टेंट होता. दूसरा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इट रिटेल्स फॉर 249 rupees एंड आई थिंक कुछ लोगों को ये जो है एक्सपेंसिव लग सकता है. बट आप इसको जो है अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो अगर आपको पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है और वेरियंट्स आपको चाहिए और कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर आपको बहुत पसंद है आप उसके हिसाब से लेना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड. गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए मैं इन लिप बाम्स को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी. चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो आप किसी को भी जो है ये गिफ्ट कर सकते हो. एंड दीज आर सो नाइस एंड प्लस पैकेजिंग तो मैं 5 out of 5 दे रही हूँ. मैं दोबारा कह रही हूँ. तो बस नेगेटिव पॉइंट मुझे यही लगा कि इसमें लिप टिंट नहीं है प्लस इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है. तो यही सब थी इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स. एंड इसमें मैंने आपको बता दिया 5 से 6 वेरियंट्स अवेलेबल हैं. आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से परचेज कर सकते हो. सो गाइज दैट इज़ इट. ये था मेरा रिव्यू इन लिप बाम्स के ऊपर. अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी. बाय बाय.